नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे शिक्षक बहाली को लेकर। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने वाली है। कोरोना संक्रमण के बावजूद राज्य सरकार ने 17 से 18 जनवरी के बीच में नियोजन इकाइयों के जरिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे दिया है। लेकिन सरकार की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर शिक्षक बहाली प्रक्रिया में गड़बड़ी या फिर शिकायत मिलने पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने की बात कही गई है। कहा गया है कि काउंसलिंग के दौरान अगर नियोजन इकाई में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो संबंधित जिलों के DEO 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना DM को देकर वहां के नियोजन प्रक्रिया को न केवल रद्द करेंगे बल्कि दोषियों पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा भी करेंगे। विभाग ने यह भी कहा है कि अभ्यर्थियों के चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन हर हाल में करना होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र काउंसलिंग के अगले दिन ही NIC वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए काउंसलिंग के लिए केंद्र को बड़े परिसर में जगहों को निर्धारित करना होगा। इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि नियोजन से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आगामी 17 से 28 जनवरी तक लगभग 1368 नियोजन इकाइयों में 12495 पदों के लिए होने वाली काउंसलिंग के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। जिलाधिकारी को दिए गए पत्र में यह भी कहा गया है कि कोरोना का खास ध्यान रखा जाएगा। काउंसलिंग केंद्रों पर सैनिटाइजेशन, आवश्यक आधारित मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि कोरोना को देखते हुए DEO काउंसलिंग केंद्रों की संख्या का निर्धारण DM की सहमति से करेंगे और इसकी सूचना NIC की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। काउंसलिंग के लिए केंद्र के चयन में बड़े परिसर वाले और अत्यधिक कमरे वाले भवन को चुना जाए। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि काउंसलिंग के लिए निर्धारित केंद्र पर अभ्यर्थी नियोजन इकाई से संबंधित सभी प्रतिनिधि और प्रतिनियुक्त कर्मी के अलावा बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगेगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि नियोजन इकाई में वरीय केता के आधार पर 10-10 अभ्यर्थियों को क्रमवार नाम से पुकारा जाएगा और वे काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे। बता दें कि प्रदेश में जिस हिसाब से कोरोना संक्रमण की रफ्तार है उसको देखते हुए नियोजन प्रक्रिया में सतर्कता बरती जा रही है। बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से पहले भी कहा गया अगर कोरोना के मामले इसी तरह के स्थिर रहे तो हम नियोजन प्रक्रिया शुरू करेंगे और नियोजन प्रक्रिया की तारीख पहले ही निर्धारित करी गई है। ऐसे में अब बस 2 दिनों के बाद नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।